हेलो दोस्तों, और एक खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आप अपनी चैनल आर्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर चैनल के बैनर को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा 2020 के बाद यूट्यूब में गाइडलाइन या फिर टर्म एंड पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, 2020 के बाद हमारे YouTube स्टूडियो में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर सेटिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर बहुत सारी दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो मैं आज उस सारे के सारी दिक्कत का हल करूँगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे आप अपनी चैनल का बैनर या फिर चैनल आर्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है जिसको मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जो हमारा मिडिल में है, आप लोग देख सकते हैं, ये मोबाइल में हमारा शो होगा। उसके बाद साइड में जो है हमारा लैपटॉप स्क्रीन में शो होगा। उसके बाद ये जो फूल है वो हमारा टीवी के स्क्रीन में शो होगा। तो फिर चलिए इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक फ़ोटो है जो कि हमारा एक फॉर्मेट है। यहाँ पर हमारा जो मिडिल में ब्लैक है वहाँ पर हमारा मोबाइल के लिए शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल, उसके बाद है टैबलेट, उसके बाद है डेस्कटॉप मैक्स, उसके बाद है टीवी। ये जो हमारा फूल का है ये हमारा टीवी के लिए है। तो आप लोग इसी फॉर्मेट से एक इमेज को प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भी उसी फॉर्मेट में ये फ़ोटो को प्रिपेयर किया है। आप पहले इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो उसके बाद चलिए इसको अपलोड करके दिख लेते हैं यहाँ पर हमारा अपलोड होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा किस तरह से यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाते हैं, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए फिर डायरेक्टली हम हमारे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि मोनिटाइजेशन के नीचे रहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिर चलिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारा फर्स्ट आया है लेआउट, उसके बाद है ब्रांडिंग, उसके बाद है बेसिक इन्फो। तो फिर चलिए ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मेरा चैनल का लोगो आ चुका है, उसके नीचे है चैनल आर्ट या फिर चैनल का बैनर। तो फिर चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे के सारे इमेजेस आ चुके हैं जो हमने प्रिपेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर चलिए ये दो रहा हमारा प्रिपेयर किया हुआ इमेजेस, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद डन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, हमारे रिजोल्यूशन यहाँ पर नीचे आ रहा है। इसी रिजोल्यूशन में यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको पी कार्ड को ओपन करना होगा। अगर आपके पास पी कार्ड नहीं है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस इमेज मॉडल का भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाइए वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपके पास पी कार्ड नहीं है दोस्तों, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर चलिए इसको ओपन करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस आ चुका है। तो फिर चलिए सिंपली एडिट फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, हमारे यहाँ पर सारे के सारे फोटोज आ चुके हैं। तो फिर चलिए हमारा वो इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेरा इमेज को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो इमेज है उसका साइज चेंज करने के लिए हमको सिंपली क्रॉप के ऊपर क्लिक करना होगा या फिर रिसाइज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर रिसाइज के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वो रिजोल्यूशन नहीं देना है जिसको यूट्यूब ने रेकमेंड किया था। मैं आपको यहाँ पर और एक रिजोल्यूशन बताऊंगा, उसको सिंपली यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका चैनल आर्ट या फिर चैनल का बैनर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो रिजोल्यूशन क्या है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए 2560। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2560 अगर आप लिख देते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो फिर चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं रिसाइज। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रिसाइज कर दिया है। उसके बाद चलिए सेव कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने कर दिया सेव। तो फिर चलिए इसको अपलोड करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे यूट्यूब का पेज। चलिए यहाँ पर फिर से अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला वाला इमेज वो है जिसको हमने रिसाइज किया था। चलिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है, जैसे कि व्यूएबल ऑन टीवी, व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप, व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल आर्ट या फिर चैनल का बैनर
सेव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा यूट्यूब में आपको इसके बारे में बहुत सारी फेक वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई भी काम के नहीं है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। इसको एक बार ट्राई करके देखिए, 100% वर्कआउट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं और एक फैंटास्टिक वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे।